आप सभी का स्वागत है ईआईएस पुष्केशन में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, तो आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न किस तरीके से आएगा, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सेट किया गया है और किस तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, कितने शब्द में अपने आंसर देना है, इसके साथ ही आपके लिए जो सेंट्रल लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। आप सबको पता है पहले से ही कि आपके जो पेपर हैं वो 15 दिसंबर से करवाए जाएंगे और अभी जो सेंट्रल लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। तो यहाँ पर इस वीडियो को बिना आप लोग स्किप के देखिएगा, इसके साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कोई भी पॉइंट आपका नहीं बचेगा। जितने भी पॉइंट हैं वो सारी चीज़ें हम कवर कर देंगे वीडियो में। अगर कोई सवाल आपके रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपने जो सेंट्रल लिस्ट हैं वो देख लें कि जितने भी यूजी पीजी के छात्र छात्राएं हैं, जिनका भी बैक का पेपर है, प्रीमेंट का पेपर है, आप लोग के जो एग्ज़ाम है वो करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेंट्रल लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। तकरीबन 39 पेज का पीडीएफ फाइल है। आप लोग इस पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ से भी कंफर्टेबल हो आप लोग सबसे पहले इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। देख लीजिए कि आपको किस कॉलेज पर जाके सेंटर देना है, या फिर आपके ही कॉलेज में आपका सेंटर है तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरी जो पीडीएफ फाइल है उसे आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर करना होगा। जितने भी यूजी पीजी के छात्र छात्राएं हैं सभी को ये वीडियो देखना और ये पेपर का पैटर्न देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि एग्ज़ाम में जाके आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसलिए कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो अगर पेपर पैटर्न को लेकर तो आप लोग अभी ही कमेंट करके जितने भी सवाल हो वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे कोई भी सवाल आपके वैसे बचेंगे नहीं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक और बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको सूचना में देखने को मिलेगा कि समस्त समितियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक प्रस्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रम में हेतु 2022-23 विषम सेमेस्टर के लिए प्रश्न पत्रों का स्वरूप निम्न प्रारूप के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यानी यहाँ पे आपके लिए सारी बातें बताया गया और ये प्रारूप आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो करना आपके लिए कंपलसरी होगा। उसके बाद से कहा गया कि प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर 150 शब्दों में तथा शेष प्रश्नों का उत्तर 750 शब्दों में दीजिए। यानी कि 150 शब्दों में है तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से शॉर्ट नोट है, और 750 शब्दों में है तो कम से कम 2.5 से 3 से 3.5 पेज में आपका जो आंसर है वो होना चाहिए। इसके बाद से कहा गया प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित हैं, यानी कि जो आपको हर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स दिए जाएंगे उसका जो नंबर है वो आपको क्वेश्चन के सामने ही देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्नातक स्तर के जो पूर्णांक है वो 75 नंबर के, यानी कि 75 मार्क्स के पीजी के जो पेपर हैं वो आएंगे। उसके बाद से यूजी के, यानी कि स्नातक स्तर में आपके जो प्रैक्टिकल के वो 50 नंबर हैं। उसके बाद से आपके जो लिखित के पेपर, यानी जो आप लोग के थ्योरेटिकल पेपर हैं वो 75 मार्क्स, यानी कि टोटल आप कह सकते हो कि पूरा जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा, जो आपके इंटरनल हुए, जो टेस्ट हुए, जो असाइनमेंट हुआ, जो आपके प्रेजेंट के आधार पे हैं उन सभी के आधार पे आपको 25 नंबर दिया जाएगा। बाकी 75 नंबर के आपके पेपर होंगे यूजी पीजी सभी के लिए। और यहाँ पे सभी के लिए जो पेपर है वो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे तय किया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें टोटल ए बी सी डी ई करके आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या एक आप लोग इसी तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर में लिख भी सकते हैं, और किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए, कितने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, किस तरीके से लिखने पे, इसको लेके पहली वीडियो चैनल पे अपलोड है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको आंसर किस तरीके से लिखना होता है उस पे आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कटते भी हैं। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए ताकि सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे तो आपको जो प्रश्न संख्या एक है, जहाँ पे आपसे पास जो कंपलसरी, यानी कि एक बोल सकते हो कि शॉर्ट नोट है, जहाँ पे आपको इसके लिए 150 शब्दों में लिखना होगा, और ये 100% आपकी कवरेज करेगा पूरे सिलेबस का, यानी कि पूरे सिलेबस में कहीं से भी उठा के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो मान लीजिए आपको कोई माइटोकांड्रिया पे लिखने को दे दिया, या फिर डीएनए पे आ गया, या फिर और जो सिलेबस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 100% सिलेबस जो है वो आपका कवर हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको 150 शब्दों में जो शॉर्ट नोट है वो लिखना होगा। उसके बाद से प्रश्न संख्या दो पे आते हैं, जहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अ ब करके, और इसमें आपको एक ही जो आंसर है वो लिखना होगा, और ये जो आंसर होगा कम से कम 3.5 पेज का आपको लिखना ही होगा, यानी कि 2.5 पेज से कम ना हो और 3.5 पेज से आप अधिक मत लिखिए, क्योंकि इतने में आपके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और ये आपके 50% कवरेज करेगा आपके सिलेबस के फर्स्ट पार्ट से, यानी कि आपके जो पूरे जो सिलेबस है उसके फर्स्ट पार्ट से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। उसके बाद से जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना जो कि आपके पूरे सिलेबस के फर्स्ट जो हाफ है उसको यहाँ पे कवर करेगा 50%। तो यहाँ पे दोनों मिला के आपके
100% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके फर्स्ट हाफ सिलेबस से बनेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो फोर क्वेश्चन है और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना। और ये जो कवर करेगा वो आपके सेकंड हाफ के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके सिलेबस को कवर करेगा। यानी कि कुल मिला जुला की बात ये है कि आप चाहे यूजी में हो पीजी में हो, टोटल जो आपका पेपर है थ्योरेटिकल का वो 75 मार्क्स के आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट नोट में दिया जाएगा, उसमें आपको 150 शब्दों में लिखना है और आपके पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर करेगा। उसके बाद से सेकेंड और जो थर्ड होगा वो आपके फर्स्ट हाफ सिलेबस को कवर करेगा। और यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन लिखना होगा जिसमें आपको 750 शब्दों में लिखना है। किस तरीके से पेपर लिखना है इसके लिए वीडियो है, प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। उसके बाद से फोर और फिफ्थ में टोटल मिला के आपको दो क्वेश्चन करना है, यानी कि आपके जो सेकेंड हाफ के जो सिलेबस होंगे वो यहाँ पे कवर होगा। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सेट किए गए हैं, जो कि आपको पहले यहाँ पे आपको सारी बातें कवर कर दिया गया कि किस तरीके से आपके पेपर पैटर्न को सेट किया गया। और इसी तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, इन सभी को लेके सारी बातें आपके कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसके साथ ही जो किस तरीके से आंसर लिखते हैं उसके लिए वीडियो है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। और कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा, टाइम टेबल आप लोग की आजकल में कभी भी जारी हो जाएंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, साथ के साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और पूरी दोनों ही पीडीएफ फाइल को आप जाकर टेलीग्राम से और ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर लें।